मुंबई के असली पावरफुल लोग कौन है? आपको ऐसे ही बिल्डिंग्स दिखेंगे, यानी 10 माले के, 20 माले के, तो मल्टीप्लाई दैट बाय 20 और 30, वट एवर द अमाउंट ऑफ फ्लोर्स यू वांट, कितना होता है? और लोग जो कहते हैं कि मुंबई में जगह नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, मुंबई में जगह मिल जाएगी। मुंबई इज़ वे अहेड ऑफ पाकिस्तान। एक आदमी था, एक कॉमन कनेक्शन था मुंबई एंड कराची, तो वो आदमी था फ्रामरोज। इस जगह पर आने के बाद आपको ऐसे फील होगा कि कहाँ थी ये जगह इतने साल। मुझे ऐसा लगा कि ये सब आपको बताना चाहिए, बिकॉज मुंबई के बारे में जब लोग बोलते हैं तो उनको अंबानी ज़्यादा दिखता है, लेकिन ये जो पारसी कम्युनिटी के जो लोग थे, ये लोग एक्चुअली बहुत ही दानवीर किस्म के लोग भी थे, क्योंकि तो वहाँ पे वो ज़मीन है। आपने कभी सोचा है कि ऐसे केरला टाइप आपको मुंबई में दिखेगा? अरे वाह, ये बस देखिए, डबल डेकर ऐसे खाना खा रहे हैं। एक्चुअली ना, ये सारे जो लोग थे ये, वेल आज ना मैंने सोचा मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ, यानी मुंबई के बारे में, बिकॉज़ काफ़ी लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है कि अरे मुंबई में प्रॉपर्टी रेट्स इतने ज़्यादा क्यों है? आप छोटा घर लेते हो फिर भी आपको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। तो यही, इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, तो चलिए चलते चलते बात करते हैं। अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं वडाला की तरफ। वडाला जो है फ्यूचर के हिसाब से इट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट यू नो बिजनेस सेंटर्स ऑफ इंडिया प्रोबेबली। मैं आपको उसके रीज़न बता दूंगा थोड़ी देर में। इससे बेटर जगह मुंबई में कहीं हो ही नहीं सकती, एस्पेशली इफ़ यू वॉन्ट टू डेवलप द वर्ल्ड बेस्ट सी पोर्ट। तो यहाँ पे जितना लैंड है ना, वो इतना काफ़ी है ये बनाने के लिए कि यू नो पीपल हैव जस्ट नॉट रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेस। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा मैं दिखा सकूँ कि हम कितनी एरिया की बात कर रहे हैं। अभी हम क्विकली एक यू टर्न ले लेते हैं और मैं आपको सॉल्ट पैंस के पास लेके चलता हूँ। वैसे तो ये एक प्राइम लोकेशन है, और आप सोचोगे कि प्राइम लोकेशन पे वैसे जगह यू नो होती नहीं है, यानी जगह बहुत कम होती है, लेकिन इस जगह पर आने के बाद आपको ऐसे फील होगा कि कहाँ थी ये जगह इतने साल और यहाँ डेवलपमेंट हुआ क्यों नहीं। दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक इट्स सो अनबिलीवेबल दैट सच एन एरिया एग्जिस्ट इन मुंबई इन अ प्राइम लोकेशन दैट टू नियर दादर, वडाला, किंग सर्कल। इतना एक्सपेंस है इस एरिया का कि यहाँ पे आराम से एक लाखों घर कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके बारे में ही मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, दीज आर सॉल्ट पैंस, सॉल्ट की खेती यहाँ पे होती है। ये काफ़ी दूर तक ये एक्सटेंड होता है ये एरिया, एंड इसी वजह से एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है जहाँ पे यू कैन से डेवलपमेंट की यू नो आशा हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो दोस्तों पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको मुंबई की हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ रियल इस्टेट मैं बता देता हूँ, ताकि आपको समझे कि मुंबई के असली ओनर आप कह सकते हो, या मुंबई के असली पावरफुल लोग कौन है। वैसे तो पावरफुल लोग हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अंबानी आते हैं या टाटा आते हैं, वो है पावरफुल लोग है, लेकिन उससे पहले भी एक इंसान था जो काफ़ी पावरफुल इंसान था, और नॉट ओनली इन मुंबई बट इवन इन पाकिस्तान, और
मुंबई और पाकिस्तान का एक कनेक्शन है, इसलिए मैं काफ़ी लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ कि बोलते हैं कि मुंबई लुक्स लाइक कराची है ना। तो पहले तो मुझे लगता था क्या बात कर रहे हैं, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ यू नो ग्रोथ एंड द पोटेंशियल राइट नाउ मुंबई इज़ वे अहेड ऑफ एनी सिटी इन पाकिस्तान। मतलब पूरे पाकिस्तान को यू कैन से उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है उससे कई गुना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल मुंबई का है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मुंबई एंड कराची वर लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि क्या है ना, एक आदमी था, एक कॉमन कनेक्शन था मुंबई एंड कराची में, तो वो आदमी था फ्रामरोज एदुल जी और उसके पिता एदुल जी दिनशॉ। तो ये जो इंसान था ये एक पारसी आदमी था जिसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। वैसे तो वो एक काफ़ी गरीब, यू नो काफ़ी गरीब नहीं बोल सकते, लेकिन ही वॉज नॉट दैट रिच व्हेन ही बिगैन। लेकिन उसने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स किए, काफ़ी सारे बिजनेसेस में बिजनेसेस खोले और वो ऐसे प्रोग्रेस करते गया। और फाइनली एक दिन ऐसा आया कि कराची जो अब का कराची है वो आधा से ज़्यादा कराची, ही यूज़ टू ओन कराची, बेसिकली उसने ख़रीद लिया था आधा से ज़्यादा कराची जो लैंड है। और दूसरी बात यह है कि मुंबई में उस आदमी ने लगभग 2200 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, 2200 एकड़, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी रफली अभी एस्टिमेट जो अभी मैंने रिसेंटली फाइंड आउट किया 2200 एकड़ इन मुंबई। और एक्सक्लूडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज वो बहुत ही चैरिटेबल आदमी था, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा ज़मीन उसके पास थी, लेकिन वो चैरिटी इतना ज़्यादा करता था कि अभी उसने कितने कितने कुछ लैंड ऐसे ही दे दिए, यानी ट्रस्ट वस्ट को। तो अभी इस वक्त ना एडुल जी दिनशॉ रहे ना उनके बेटे फ्रामरोज दिनशॉ रहे, तो अब उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है जो FE दिनशॉ ट्रस्ट, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं न्यूसली वाड़िया। न्यूसली वाड़िया कौन है वो आपको बॉम्बे डाइंग तो पता ही होगा, बॉम्बे डाइंग के ओनर न्यूसली वाड़िया है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुंबई में ऐसे प्राइवेट ओनर्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा पब्लिक को पता नहीं है कि इनके पास कितना यू नो कितने वो एक तरह से आधे से ज़्यादा मुंबई को वो ओन करते हैं, लेकिन वो आपको इजीली पता नहीं चलता क्योंकि न्यूज़ में इतना ज़्यादा उसका कवरेज नहीं है। तो अभी सेकंड ओनर की बात करता हूँ तो न्यूसली वाड़िया जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं एडुल जी की, एडुल दिनशॉ की, न्यूसली वाड़िया के पास 1200 एकड़ ज़मीन है और उसमें से अभी कुछ ज़मीन पर मोस्ट ऑफ द लैंड के ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दिया। मैं अभी थोड़ा सा आगे चलते चलते बात करता हूँ, हो सके तो मैं आपको वहाँ पे लेके भी जाऊँगा। उनका एक प्रोजेक्ट है दादर के काफ़ी नज़दीक है, दादर और यू कैन से परेल के बीच में उनका एक प्रोजेक्ट है, काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। तो ऐसे उन्होंने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स शुरू किए कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो ये सारी चीज़ें अभी वो कर रहे हैं। तो एनी वैसे तो मैं कोई बता रहा था कि प्राइवेट ओनर्स मुंबई में ज़्यादा है और इनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। अभी थर्ड प्राइवेट ओनर की बात करूँ तो गोदरेज जो है, ओह माय गॉड, गोदरेज के पास भी 2000 एकड़ की ज़मीन है। मैं एक सेकेंड ऐसे बात करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, तो गोदरेज की जो ज़मीन है उसमें थोड़ा सा इश्यू है बाकी के कंपैरिजन में। 2000 एकड़ की ज़मीन तो है लेकिन गोदरेज की ज़मीन में इश्यू ये है कि वो मैनग्रोव में आ गई है, यानी ऐसे लो लाइंग सबमर्ज्ड ज़मीन जो होती है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल होता है, वैसे टाइप की ज़मीन है। और कोस्टल रेगुलेशन जोन अथॉरिटी जो होती है वो लोग के रूल्स होते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्टेंस और शोरलाइन और वो प्रॉपर्टी का डिस्टेंस कुछ तो एक उनका होता है, एक डिस्टेंस होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो वो मैनग्रोव्स में है और सबमर्ज्ड है, इसी वजह से उनको ना वहाँ पे डेवलपमेंट करने को परमिशन नहीं मिल रही। तो वो ज़मीन कहाँ पे है ये आपको बताऊँ तो वो ज़मीन है इन थाने, मोस्ट ऑफ इट इज़ इन थाने। थाने जो क्रीक है, जो आपको पता होगा थाने क्रीक,
तो वहाँ पे वो ज़मीन है, तो उस ज़मीन में कंस्ट्रक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इसी वजह से उनको वो परमिशंस नहीं मिल रहे हैं। तो आपको आपने आपको पता होगा स्टार, जो स्टार प्लस, स्टार इंडिया जो अपने जो टेलीविज़न का, तो स्टार जो है ये कंपनी ने कंपनी को गोदरेज ने अप्रोच किया था कि आप हमारी लैंड यूज़ करो, यानी स्टूडियो वूडियो के लिए, तो आपका जो ऑपरेशन है यू नो जो भी आपका काम है उसको आप यूज़ कर सकते हो, यू कैन लीज इट। लेकिन उसमें भी इश्यू आ गए, स्टार बैकआउट कर गया, तो बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन है यू नो प्रॉब्लम्स एंड बाकी वो कोस्टल जोन का रेगुलेशन वो सब, तो इसी वजह से वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रही है। तो गोदरेज थोड़ा सा लॉस में चल रहा है इन टर्म्स ऑफ रियल इस्टेट, लेकिन उसके फैक्ट्रीज उस तरफ है, जैसे गोदरेज के सोप के फैक्ट्रीज, गोदरेज एंड बॉयस के यूनिट्स वहाँ से, उनके सब फैक्ट्रीज ऑपरेशनल है। सिर्फ ये रियल इस्टेट का उनका थोड़ा सा लोकेशन के मामले में इश्यू आ रहा है, वो भी होपफुली वो चेंज हो जाएगा कुछ सालों में, बिकॉज जैसे कोस्टल रोड बन रहा है वैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो ऑब्वियसली सिर्फ कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है उन्होंने उनका साथ देना चाहिए बनाने के लिए, अदरवाइज यू नो आई डोंट थिंक वो कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अभी खटाऊ, खटाऊ फैमिली, ये आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, खटाऊ फैमिली के पास भी काफ़ी सारे यू नो एरिया है मुंबई में, और जो प्राइम एरिया आपकी आप बात करोगे तो प्राइम एरिया कुछ तो 120 से 200 एकड़ प्राइम एरिया, मतलब प्रभा देवी वर्ली ऐसे एरियाज़ में उनके यू नो प्रॉपर्टी है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए प्राइवेट ओनर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम एफ़ई दिनशॉ, फ्रामरोज एदुलजी दिनशॉ, सेकंड गोदरेज, थर्ड बॉम्बे डाइंग के न्यूसली वाड़िया, और फोर्थ ये खटाऊ, तो ये प्राइवेट ओनर्स है, और बाकी के जो पब्लिक ओनर्स हैं वो अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी है, देन देर इज़ रेलवेज, तो ये बाकी सारे ऐसे पब्लिक के पास काफ़ी कम लैंड है, यानी पब्लिक ओनरशिप गवर्नमेंट के पास। तो दोस्तों और एक चीज़ आपको बताऊँ, तो संजय गांधी नेशनल पार्क, उसकी आप हिस्ट्री सुनोगे तो यू विल फील अरे बाप रे, तो ये आदमी के पास संजय गांधी नेशनल पार्क भी था, यानी एदुलजी दिनशॉ के पास संजय गांधी नेशनल पार्क, यूज़ टू ओन दैट प्लेस एंड मोर देन दैट प्लेस एक्चुअली, उसके पास 1488 एकर्स उस जगह पर थी, यानी जहाँ पे यू नो ठाणे मुलुंड और वो सबर्ब्स एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स द सबर्ब्स, सो ऐसे करके उसके पास काफ़ी बड़ी एरिया थी उस जगह पर भी। ये अलग, ये 2200 एकड़ अलग लेकिन वहाँ पे उसकी ज़मीन थी। तो फिर 1978 में जो स्टेट गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र की, उन्होंने नोटिस भेजा एफ़ई दिनशॉ ट्रस्ट को कि वी वांट टू अक्वायर आपका जो लैंड है 1488 एकर्स अक्वायर करना है। तो ऐसे मतलब वो सब लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हो गए, फिर उसमें क्या हुआ कि एंड में ये सेटलमेंट हुआ कि 870 एकर्स कुछ तो दे दिए, और जहाँ पे अभी आप संजय गांधी नेशनल पार्क देख रहे हो वो 878 एकर्स का, वो एक्चुअली दिनशॉ जी का था, यानी उनका लैंड था, तो वो दे दिया पूरा लीगल प्रोसीडिंग्स ये करके। और फिर बाद में अभी बचे कितने, वापस बचे अराउंड 800-700 एकर, तो उसमें से भी ये अपने बीएमसी ने कुछ ले लिया, फिर महाड़ा ने ले लिया, ऐसे गवर्नमेंट ने थोड़े थोड़े ऐसे ले लिए उनके जो लैंड है, जो अब ऑब्वियसली थोड़ा सा लीगली जो किया रहेगा या आई डोंट नो उनका पूरा डिटेल्स, लेकिन ऐसे करके एंड में दिनशॉ जी के पास उस एरिया में बचे 350 एकर्स। तो दोस्तों 350 एकड़ उनके पास रह गए, ठीक है, अल्टीमेटली मतलब गवर्नमेंट ने ले लिया लैंड, कुछ ज़्यादा मतलब मेजर लैंड तो गवर्नमेंट ने ही ले लिया, फिर उनके पास 350 एकड़ में उन्होंने एक टाइप किया विद रहेजा एक बहुत बड़े बिल्डर है, तो रहेजा ने वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू की, यानी कमर्शियल रियल इस्टेट एंड का ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वो सब। तो एग्जैक्टली आपको लोकेशन बताऊँ तो एक लोकेशन है मालाड ईस्ट मतलब दिंदोशी एंड ऑल वो साइड वहाँ पे है, और वहाँ पे कुछ तो 1,00,000 स्क्वायर फीट का कुछ तो एक मतलब है एरिया है वहाँ पे, कुछ तो बनाया उन्होंने, मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता, लेकिन जो रहेजा के ब्रदर्स है जब उनका कंपनी स्प्लिट हुई या फिर उनके जो क्या बोलते हैं उसको स्प्लिट एक तरह से, यानी कुछ तो होता है ना भाई भाई में, तो
एक एक भाई ने आई थिंक सी एल रहेजा ने वो ली अपनी मालाड ईस्ट की, जो दिंदोशी के साइड, और फिर मालाड वेस्ट में जो इनॉर्बिट मॉल है एंड आई थिंक वो माइंड स्पेस जो आईटी पार्क है वहाँ पे उनके बाकी दूसरे जो भाई है सुरेश रहेजा, उन्होंने फिर वहाँ पे यू नो उसका संभाला। तो ऐसे करके ये जो द दिनशॉ ट्रस्ट है उन्होंने यू नो दे टाइड अप बेसिकली पार्टनरशिप के बेसिस पे उन्होंने ये सब शुरू किया। तो और अभी उनको पैसा कैसे कमाते हैं वो, वेल वो अभी सेल होता है ना, तो सेल होने के बाद 12% ऑफ द सेल्स ट्वेल्व परसेंट ऑफ इट गोज़ टू दिस दिनशॉ एफी दिनशॉ ट्रस्ट। तो ऐसे करके दे आर लाइक मेकिंग मनी ना हो। तो यही बात है गाइस, बाकी तो और कुछ मैं भूल रहा हूँ क्या आपको बताने, बाकी ऐसे बहुत सारे जगह है। मैं मुझे ऐसा लगा कि ये सब आपको बताना चाहिए बिकॉज मुंबई के बारे में जब लोग बोलते हैं तो कोई व्यू दिखा देता हूँ, तो मुंबई के बारे में जब लोग बोलते हैं तो उनको अंबानी ज़्यादा दिखता है, लेकिन एक्चुअली ना ये सारे जो लोग थे ये प्री इंडिपेंडेंस से काफ़ी बड़े लोग थे, और ये लोग एक्चुअली बहुत ही दानवीर किस्म के लोग भी थे, क्योंकि ये जो पारसी कम्युनिटी के जो लोग थे जैसे एदुलजी दिनशॉ ये सब, ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, देवर बिजनेसमैन, लेकिन वो लोग चैरिटी भी बहुत करते थे। इसी वजह से जो ब्रिटिश एम्पायर थी ना उन्होंने उनकी काफ़ी मदद की, और अब इसी वजह से लाइक अल्टीमेटली दे ओन्ड मुंबई एट वन पॉइंट, लेकिन अभी वही नहीं रहे तो अभी क्या कर सकते हैं, ऐसा हो गया ना, अभी इंसान की ज़िंदगी लिमिटेड होती है। अभी वो उसके पास इतना प्रॉपर्टी था कि वो भी कभी सोचा नहीं होगा कि अरे वहाँ पर उसकी वैल्यूएशन क्या होगी आज के तारीख में, अब अनलिमिटेड पैसा। तो दोस्तों मैं अभी वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये सॉल्ट पैन्स है, तो ऐसे सॉल्ट पैन के एरिया ना महाराष्ट्र में अगर आप बोलोगे तो महाराष्ट्र में 13,000 एकड़ सॉल्ट पैन्स है, 13,000 एकड़, उसमें से मुंबई में 5,300 एकड़ ऑफ सॉल्ट पैन, फिर वसई पालघर ये सब एरिया में 2,000 यानी टोटल 4,000, मुंबई में 5,300 एकड़। तो अभी जो डेवलपमेंट प्लान है महाराष्ट्र का, उसमें डेवलपमेंट प्लान 2034, उसमें लिखा गया है कि 1,781 एकर्स पे आप यानी सॉल्ट पैन पे 1,781 एकर्स पे आप यू नो घर बना सकते हो या डेवलपमेंट कर सकते हो बेसिकली, लेकिन उसमें इश्यूज आ रहे हैं, और वो इश्यूज़ ये है कि सेंटर और स्टेट, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ना, वो लोग लड़ते हैं इसी वजह से कि उनको शेयर करना होता है ना लैंड एक तरह से, तो वो जो शेयरिंग का रेशियो रहता है, मतलब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी मेरे को 60% 70% शेयर करना है, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी नहीं हमको और ज़्यादा चाहिए बिकॉज दिस इज़ आर लैंड, मतलब हमारे स्टेट का लैंड है हमको ज़्यादा। तो ऐसे सब यू नो मतभेद होते रहते हैं, तो ऐसे ये मतभेद जो है ये पिछले 30-40 सालों से चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से ना यहाँ पे कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं, और ये ऐसे ही मतलब लैंड ऐसे ही रहा, और इसका नतीजा आपने देखा मुंबई के रियल इस्टेट प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब मैं बोलता हूँ रियल इस्टेट प्राइसेस क्लियरली कि क्यों इतने ज़्यादा बढ़ गए। वेल अभी किसी भी सिटी का लिमिट होता है, मतलब उस सिटी में आप ज़्यादा लोगों को अगर बुलाओगे या ज़्यादा लोग आएंगे उस सिटी में तो ऑब्वियसली वहाँ पे जगह कम पड़ेगी, और जब जगह कम पड़ेगी तो उसका डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगा, यानी ज़्यादा लोग को रहना है उनको ज़्यादा जगह चाहिए तो उनका डिमांड ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी वजह से जब डिमांड इंक्रीसेस एंड द सप्लाई इज़ लेस देन ऑब्वियसली द एग्जिस्टिंग जो भी है चीज़ें हैं उनका प्राइस ज़्यादा हो जाता है, आप समझ रहे हो। तो इसी वजह से जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है उनके प्राइसेस या फिर जो आपको नई प्रॉपर्टी अगर बनानी है तो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लैंड इज़ लिमिटेड ऐसे यू नो हमको बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल में लैंड इज़ अ लॉट ओवर हियर। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो लैंड है ये आप बिलीव नहीं करोगे, कोलाबा से लेके टूवर्ड्स यू नो यहाँ से आप स्ट्रेट को फ्रॉम कोलाबा टू मजगांव यू नो उसके आगे के और आगे जाओगे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1800 एकर्स ऑफ लैंड यू नो जो JNPT के अंदर आता है, JNPT जो ट्रस्ट है
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसके अंडर वो ओनर है उसकी। तो ये पब्लिक सेक्टर है बेसिकली, तो उनके पास है। तो वहाँ पे ना लैंड डेवलप नहीं किया गया, बिकॉज यही जो रीज़न मैंने आपको बताया, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो इश्यू होते हैं उसके वजह से। तो एनीवेज अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ, और अच्छे से थोड़ा चलते भी रहना चाहिए ना, थोड़ा सा नज़ारे देखने के लिए। तो ये देखिए पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। तो बेसिकली मैं क्या कहा था, हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के पास इतना ज़्यादा लैंड 1800 एकर्स वो लोग नहीं कर पाए डेवलप, क्योंकि यहाँ पे यानी वो गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयरिंग का जो फार्मूला होता है वो गड़बड़ हो गया। पिछले 30-40 सालों से यही मतलब खिंचातानी हो रही है। तो लेकिन अभी क्या है ना, अभी होपफुली वो सॉल्व होने वाला है, क्योंकि 2017 में ना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उन्होंने ना उनके जो रूल्स है कोस्टल ये रेगुलेशंस एंड जो लॉज है कोस्टल रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट के, उनको उन्होंने चेंज किया थोड़ा। और चेंज किया मतलब क्या किया, उन्होंने जो सॉल्ट पैंस है ना उनको वेटलैंड्स में से बाहर कर दिया, यानी जो वेटलैंड्स की हद में आता था, यानी पहले सॉल्ट पैंस को भी इंक्लूड किया था कि वेटलैंड्स में इंक्लूड। वेटलैंड्स ये देखो, ये दीज आर बेसिकली, ये आप देख रहे हो ना ऑन दिस साइड, दिस इज लाइक अ सबमर्ज्ड काइंड ऑफ लैंड। तो ये इसको एक तरह से दीज आर लाइक सॉल्ट पैंस के बाजू में ये ऐसी, ये देखो, आपने कभी सोचा है कि ऐसे केरला टाइप आपको मुंबई में दिखेगा? तो ये ऐसी जगह है यहाँ पे, और बाजू में सॉल्ट पैन है। जो कोस्टल ये जो लॉज थी, तो उन्होंने थोड़े से चेंज कर दिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यू नो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने, और उन्होंने बताया कि हमने वो जो सॉल्ट पैंस है उनको वेटलैंड्स में से बाहर कर दिया है। तो ये करने से ना एक क्लियरेंस मिल गया कि मतलब 25-30% अपने को डेवलपमेंट करने का एक ग्रीन लाइट मिल गया कि आप बना सकते हो। तो अभी एक हो गया, तो अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? नेक्स्ट प्रोसीजर इज़ द शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ द शेड्यूल 7? अभी शेड्यूल 7 वो है जो डिफाइन करता है, जो स्पेसिफाई करता है दी पावर्स एलोकेटेड टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास के जो पावर्स है वो डिफाइन करता है शेड्यूल 7। तो उसमें भी अभी चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे डेवलपमेंट जब करने की अनुमति मिलेगी तो उसके जो लॉज है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेंगे, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा पावर रहेगा, अथॉरिटी रहेगी यहाँ पे कैसे लॉज बनाने हैं डेवलपमेंट को, यू नो कमर्शियल रेसिडेंशियल जो भी है। तो ऐसे करके यू नो ये सब प्रोसीजर आगे बढ़ेगी। मुझे ऐसे लग रहा है वो शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी जल्द से जल्द अमेंड होगा, क्योंकि यू नो गवर्नमेंट जो चेंज हुई ना, यानी यू नो ऑब्वियसली अभी कौन सी गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट ना इट इज़ वेरी सीरियस अबाउट यू नो गेटिंग दीज थिंग्स डन, बिकॉज ये 30-40 सालों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, और उसके वजह से मुंबई में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। देखो वी आर नॉट ट्राइंग टू ब्लेम एनी अदर गवर्नमेंट और एनीथिंग, ऐसे नहीं है, क्या है ना, ये अगर होगा ना सबके साथ, सबका साथ होगा और सबका सपोर्ट होगा, तब जाके ये होने वाला है। लेकिन क्या है ना, इनिशिएटिव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आई थिंक ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव अच्छे से लेती है, एंड में सबका सपोर्ट के साथ वो लोग ये सब करेंगी, ऐसे मुझे लग रहा है। आपने अब तो देख रहे हो मुंबई कोस्टल रोड, मेट्रो, ऐसे सब सारे सब, तो ऐसे नहीं है कि एक ही गवर्नमेंट के सपोर्ट यू नो ऐसे होता है, यू हैव टू बी, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री बेसिकली, सबके सपोर्ट के साथ होता है। तो ये बात है गाइस, तो बाकी तो कुछ नहीं, बाकी अभी कंस्ट्रक्शन के बारे में बोलूँ तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया वहाँ पे सॉल्ट पैंस थे, बराबर, तो वो जो सॉल्ट पैंस मतलब क्या, सॉल्ट पैंस ऑब्वियसली देयर इज सॉल्ट ओवर देयर, व्हाट इज सॉल्ट?
salt is sodium chloride. Now, sodium chloride chemically is a very bad thing for any infrastructure related thing. क्यों पता है? क्योंकि वो ना corrosion होता है उससे, यानी suppose कुछ वहाँ पर बांधा आपने तो वो चीज़ corrode हो जाएगी, यानी सड़ जाएगी या फिर वीक हो जाएगी, ऐसे है. तो इसी वजह से वहाँ पे यू नो कंस्ट्रक्शन करने को अलाउड नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्लेस टू बिल्ड एनी बिग थिंग. लेकिन क्या है ना, ये सब चीज़ें हैं ना, दिस इज़ ये अपनी 30-40 साल पहले जो यू नो जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, या 50 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हम ये अगर बोलते थे ना तो हम समझ सकते थे. लेकिन अभी कैसा, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, यानी टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है कंस्ट्रक्शन के मामले में. आप देख ही रहे हो मुंबई कोस्टल रोड रिक्लेम करके, हम लैंड रिक्लेम करके उसके ऊपर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं. दुबई में बना है, कहीं कितने जगहों पर ऐसे उन्होंने, जहाँ पे कुछ बन नहीं सकता, यानी इससे पहले कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि पानी के अंदर आप कुछ ऐसे इतना बड़ा कुछ खड़ा कर सकते हो, लेकिन अभी पॉसिबल है तो क्यों नहीं करने का. तो ये चीज़ है. तो अभी पहले क्या होता था ना, पहले अभी ये जो सॉल्ट पैन्स है उसकी जो ज़मीन है उसके अंदर यू नो ज़मीन मतलब ऊपर सरफेस के नीचे ना बसाल्ट है, बसाल्ट रॉक है ना, इट इज़ अ वेरी वीक काइंड ऑफ अ रॉक. तो ये जो बसाल्ट रॉक है तो उस पर कोई कंस्ट्रक्शन अगर करोगे ना वो डिसइंटीग्रेट होता है और वो गिर जाता है, यानी वो स्ट्रक्चर गिर जाता है. ऐसे हुआ है पिछली मतलब काफ़ी साल पहले 2008 में एक बार हुआ था, जहाँ पे पाम बीच रोड जो है मुंबई में, पाम बीच रोड का नाम आपने सुना ही होगा, तो पाम बीच रोड पे एक पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसी सो गई थी. आप समझ रहे हो, मतलब गिरी नहीं, इट जस्ट स्लेप्ट, ऐसा ऊपर वर्टिकल हो गए फिर हॉरिजॉन्टल पूरी. तो जब आप वो बिल्डिंग को देखोगे ना तब आप एक्चुअल में समझोगे कि मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ. तो अब पाम बीच रोड के साइड भी ना ऐसे ही, मतलब जो ज़मीन है ना इट इज़ देयर इज़ अ बसाल्ट रॉक, तो इसी वजह से वो फाउंडेशन अच्छा नहीं होता. लेकिन उसका भी एक टेक्निक है जो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी सिंपल बट लॉजिकल टेक्निक. वो ये है कि नॉर्मली जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो वो जो फाउंडेशन आप उसका खड़ा करते हो ज़मीन के अंदर, वो कुछ तो होता है 13 मीटर या 20 मीटर के आसपास. लेकिन जब आपको ऐसी ज़मीन होती है जैसे वेटलैंड्स या सी या ऐसी सी वाली ये सॉल्ट पैन वाली, तो उस पर ना आपको ज़्यादा डिग करना पड़ता है ताकि आप वो जो एक्चुअल जो ग्रेनाइट जैसा रॉक रहता है उसको हिट कर सको, जो बेड रॉक उसको आप हिट कर सको, और वो सबसे बेस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग यू नो एरिया होता है. लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा डिग करना पड़ता है. अब 2008 में जो पाम बीच रोड के ऊपर जो हुआ उसका यही प्रॉब्लम था कि वो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन था, वो जो पिलर्स डालते हैं ना, वो ज़्यादा डीप नहीं डाले थे. ऑब्वियसली क्यों नहीं डाले थे, बिकॉज टू सेव कॉस्ट. तो कॉस्ट सेव करने के लिए वैसे किया था उन्होंने. तो अभी इवेंचुअली बारिश आती है, बारिश मॉइस्चर एंड यू प्लस यू हैव सॉल्ट एंड तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन. तो वो इट डिजॉल्व्स बेसिकली द सॉल्ट स्ट्रक्चर डजंट स्टे इंटैक्ट, वैसे डिजॉल्व हो जाता है और फिर वो जो फाउंडेशन है वो हिलने लगता है. ऑब्वियसली हवा आने पर वो गिर जाती है, ऐसे होता है. तो दैट इज़ द थिंग गाइस, ये बसाल्ट और ये ऐसी ज़मीन जो होती है, अगर इसको विंड एंड वाटर पानी भर गया, समझो पानी आया, विंड उसको लगी तो ना इट जस्ट डिजॉल्व, इट डिसइंटीग्रेट्स एंड अल्टीमेटली बना बनाया वो स्ट्रक्चर यू नो गिर जाता है इतने महंगे करोड़ों रुपए के. तो ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ था वडाला में, स्लैब्स गिर गए थे वाइल कंस्ट्रक्टिंग इट. तो यहाँ पे मतलब देखो कोई ऐसा जानबूझ के ये तो नहीं करता है, लेकिन हाँ लोग कॉस्ट कटिंग के मामले में भी लाइक यू नो करते हैं ये सब, मतलब उनको पता होता है कि ऐसे हो सकता है, लेकिन फिर भी दे वांट टू लाइक ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है प्रोजेक्ट पे. एक लिमिट रहता है ना, बजट रहता है प्रोजेक्ट का. तो इसी वजह से अगर यहाँ पे अभी वापस अगर प्रोजेक्ट बना तो ये चीज़ों की बहुत यू नो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो जो डेप्थ है फाउंडेशन का वो बहुत ही अच्छे से या एक्स्ट्रा यू नो डिग करके उसको परफेक्ट करना चाहिए, नहीं तो फिर वैसे ये जो 2008 में जो हुआ वैसे हो जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन एंड होपफुली इट विल बी डन, बिकॉज इफ इट इज़ गिवन टू रियली गुड कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज सच एज L&T
या फिर जापान की जो कंपनी है अपना ये जो मेट्रो बना रही है, उनको अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए ना, तो दे विल एटलीस्ट दे यू हैव दैट सेंस ऑफ यू कैन से अश्योरिटी, या एक रिलीफ रहेगी माइंड में कि हाँ भाई किसी के अच्छे यू नो कंपनी को हमने दिए है। हाँ, कोई अच्छा डेवलपर मिल जाए जैसे L&T, मुझे तो यही लग रहा है L&T को ही जाएगा, तो इट विल बी सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। ये होगा, ये डेफिनेटली होगा, वी आर वेल ऑन द यू नो वे टू मेक दिस वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। तो ये देखो, ये मैं वही आपको ये जो एरिया दिखा रहा हूँ ना, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल एंड इट जस्ट रिक्वायर्स दैट टेंडर लविंग केयर बाय डेवलपर्स सो दैट इट कैन बी बिल्ट इनटू अ वर्ल्ड क्लास यू नो कमर्शियल रेजिडेंशियल बिजनेस जो भी आपको बनाना है। इसमें द पोटेंशियल फॉर दिस प्लेस इज एंडलेस, काफ़ी लैंड है गाइस। तो ये बात है और कुछ नहीं, तो ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको मैं ये वीडियो बना दूँ। वैसे तो यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्रीज भी है, लेकिन क्या है ना, उनमें से बहुत सारे फैक्ट्रीज ये लोग दे कैन इवन शिफ्ट देयर, और थोड़े इन ऑपरेशनल भी है, यानी जो लॉस मेकिंग फैक्ट्रीज है ऑब्वियसली उनको ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इश्यू, तो वो भी चले जाएंगे, ज़्यादा नहीं है। बट द एरिया यू सी इज़ लाइक ट्रिमेंडस, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, बस यही है कि दे शुड बी बिल्ट इन द राइट वे। हाँ, तो ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा मैं इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था, तो आपको ज़्यादा मैं विजुअल्स ज़्यादा सीन्स दिखा नहीं पाया। यहाँ पे ना एक क्रिकेट का ग्राउंड है, ये देखिए, ये वन सेकेंड ना मैं सो ये देखिए, ये दिलीप वेंगसरकर फाउंडेशन का ग्राउंड है। जैसे कभी कभार मेरे को आना होता है इस तरफ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग क्रिकेट खेलने या यू नो प्रैक्टिस करने, तो बेसिकली क्रिकेट ग्राउंड्स की बात करो तो अपने मुंबई में क्रिकेट ग्राउंड्स की बहुत कमी है। अरे वाह, ये बस देखिए, डबल डेकर से खाना खा रहे हैं सब। तो ये वन ऑफ द फ्यू ग्राउंड्स विच इज़ ये वेरी ह्यूज। तो क्रिकेट ग्राउंड्स की बात करें तो एक है अपना आज़ाद मैदान का ग्राउंड है, फिर है और ऐसे तीन चार है जो आई थिंक अपकमिंग ग्राउंड है। फ्यूचर में इसको अगर अच्छे से इन लोगों ने डेवलप किया, मे बी यू कैन इवन सी अ स्टेडियम होगा, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम। तो एनीवेज गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जितनी ज़्यादा जानकारी मैं दे सका, मैं आपको मैंने ट्राई किया इसमें देने की आपको। दोस्तों, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो नज़ारा ही चेंज हो गया। तो इन शॉर्ट, अगर आपने ये एरिया को कॉपी पेस्ट करके इस जगह पर लगा दिया, तो इमेजिन करो नो कैसे दिखेगा। तो इसको आप 10 गुना या 20 गुना मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज इतनी ज़्यादा एरिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं करके बताता हूँ कि कितना होता है। वेल, एक एकड़ जो होता है ना, एक एकड़ होता है लगभग 43,560 स्क्वायर फीट। अब हम कितने एकड़ की बात कर रहे हैं एज़ पर द डेवलपमेंटल प्लान, जिसमें मतलब अलाउ जो डेवलपमेंटल प्लान मुंबई का अलाउ करता है डेवलपमेंट करने को, कितने एकड़ है जो फ्री है मुंबई में? 1,781 एकर्स सिर्फ ये रीजन में। तो उसको अगर आप राउंड फिगर करके, मतलब वन एकड़ इज़ 43,560 स्क्वायर फीट, तो उसका राउंड फिगर मैंने किया 50,000 स्क्वायर फीट। तो 50,000 इंटू 1,781।
ये तो मैंने एक सरफेस का अनुमान बताया। अगर आपने एक ही फ्लोर की अगर बिल्डिंग बनाई, अभी वैसे तो होगा नहीं, आपको ऐसे ही बिल्डिंग्स दिखेंगे, यानी 10 माले के, 20 माले के, तो मल्टीप्लाई दैट बाय 20 और 30, वट एवर दी अमाउंट ऑफ फ्लोर यू वॉन्ट, कितना होता है। डेवलपमेंट कब होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन होगा ज़रूर। और लोग जो कहते हैं कि मुंबई में जगह नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, मुंबई में जगह मिल जाएगी, ये मेरा अनुमान है। अभी उतनी ज़्यादा तो नहीं मिलेगी, उससे थोड़ा कम मिलेगा, बिकॉज बीच में रोड भी आते हैं, रोड आता है, फिर प्लेग्राउंड्स आते हैं, रिक्रिएशनल जोन्स आते हैं। With the advancement of technology and as people make these huge leaps in infrastructure technology, जिसमें आप समुंदर का थोड़ा सा reclaim करके आप development कर सकते हो, तो वैसे वैसे आपकी जगह और आपको मिलती जाएगी। ऐसे तो ये बात है guys, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये video पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो definitely hit the लाइक बटन, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सॉरी, मैं हूँ यहाँ पे। दोस्तों ये था आज का वीडियो, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन ही इतना ज़्यादा थी कि मुझे भी आइडिया नहीं था। तो क्या है ना, थोड़े से सीन्स आए ना, थोड़े से कम आए वीडियो में, लेकिन मैं आपको जस्ट, मेरा मेन इंटेंशन ये था कि आपको जानकारी ज़्यादा दूँ इंस्टेड ऑफ जस्ट ये जो सिनेमैटिक और ये सब वो सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सब नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होने ज़्यादा ज़रूरी है, और जो हमको इजीली मिलती नहीं है। तो ऐसे तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो। तो वीडियो का कंक्लूजन यही है कि मुंबई के पास जगह तो है, बहुत जगह है, लेकिन फ़र्क यही है कि मुंबई के पास इलॉन मस्क जैसा आदमी नहीं है। और जिस दिन इलॉन मस्क जैसा आदमी या इलॉन मस्क जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ मुंबई में विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर, और जिसका एम ही ऐसा हो कि वो मुंबई को एक बड़ा बिजनेस सेंटर बनाने का एम हो, या मुंबई के लोगों की जो तकलीफें हैं उनको सॉल्व करने का एम हो, उस दिन यू विल सी अ वेरी रैपिड काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट, अ वेरी रैपिड पेस यू सी। अभी भी हो रही है लेकिन अभी थोड़ा सा ऑब्वियसली पिछले 50 सालों के कंपैरिजन में अभी जो स्पीड पकड़ी है वो पहले कभी नहीं पकड़ी थी। अभी जो लॉज, रूल्स, जो चेंजेस जो आ रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, उसके वजह से ना इट इज़ प्रोसीडिंग एट अ वेरी फास्ट रेट कम्पेयर टू द लास्ट 50 ईयर्स। तो यही है दोस्तों, जस्ट आई एम एंडिंग ऑन दिस पॉजिटिव काइंड ऑफ नोट, जिसमें आपको मैंने यही बताने की कोशिश की है कि विथ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विथ द इंटेंशन ऑफ मेकिंग द लाइव्स ऑफ पीपल बेटर, ऑफ गिविंग पीपल अ बेटर लाइफस्टाइल इन जनरल, ये जगह है ना, वही चीज़ के फाउंडेशन पे खड़ी होने वाली है। एंड उस दिन से मुंबई में वो जो जगह का प्रॉब्लम है या जो क्राइसिस का जो इश्यू है वो काफ़ी हद तक एक बैलेंस आ जाएगा, एक
यू नो पीपल विल बी वेरी हैप्पी यू नो एंड दे विल बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे आर गेटिंग. अभी कैसा है ना, अभी अभी ऐसा है कि आप इतना पे करते हो फिर भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि आपको अरे आपको इतनी सी जगह मिलती है इतना पे करने के बाद. तो वो सेटिस्फैक्शन आएगा, योर लाइफ स्टाइल विल बिकम बेटर. सो एनीवेज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया हो देन हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, बिकॉज बेल आइकॉन दबाने से आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिलेंगे. और क्या बेसिकली मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे वीडियोस लाने के लिए. तो अभी मैं फ़िलहाल तो इस जगह पर हूँ, ये मेरा फेवरेट जगह है, दिस इज़ आईमैक्स. तो एक चक्कर लगा के आते हैं. वैसे तो यहाँ पे मुझे फिल्म देखने का अवसर यू नो अब तक मिला नहीं है, इतना एक साल हो गया है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड ऑल. यहाँ पे मतलब फिल्म देखने का सवाल ही नहीं था ना इतने दिन. तो दिस यूज़ टू बी माय यू नो फेवरेट थिएटर्स इन मुंबई. पता नहीं अभी कब मैं आऊँगा इसे. और कोई ऐसी ढंग की फिल्म भी अब तक निकली नहीं है ना यार. अगर अरे वाह फूल, थैंक यू, मेरा स्वागत हो रहा है इधर. तो ये देखिए, दिस इज़ बाय फार वन ऑफ माई फेवरेट थिएटर्स. और इसके बाद में आता है फिनिक्स मार्केट सिटी इन कुर्ला. तो ये मेरा सबसे फेवरेट थिएटर हुआ करता. ये लोग पेंट क्यों नहीं करते पता नहीं बेचारे, कितना मस्त है एक थिएटर है यार. आई लव दिस प्लेस. अभी कैसा एकदम पहले ना यू नो इट यूज़ टू बी सो फुल यानी यहाँ पे कार्स होती थी, यहाँ पे सब कितने सारे लोग दोपहर को भी पिक्चर देखने आते. अरे ये लोग शूट कर रहे हैं, बाप रे क्या कर रहे हैं ये लोग. अच्छा ये साइन लैंग्वेज, आई थिंक ही इज़ ओके दीज आर लाइक स्पेशल पीपल. ओके या सो बाय द वे, ये जो एरिया देख रहे हो ना, दिस इज़ ऑन द अजमेरा ओन्स मोस्ट ऑफ दिस एरिया. इसको अनिक वडाला ऐसे बोलते हैं. तो ये प्लेस अजमेरा के अंडर आती है. तो वैसे आपको बताया मैंने प्राइवेट ओनर्स जो मुंबई के हैं उसमें गोदरेज है, एफीडन शॉ है, बॉम्बे डाइंग ग्रुप है, खटाउस, और फिर अभी जो है वो बिल्डर्स, ये है अजमेरा, ये जो आप देख रहे हो सामने अजमेरा बिल्डर्स, ये अनिक वडाला जो डेपो है, ये जो अनिक साइड, इसको अनिक बोलते हैं, अनिक विलेज बोलते हैं. तो यहाँ पे अजमेरा इज़ गोइंग टू डेवलप एंड इनके पास बहुत बड़ा यू नो वेरी वेरी इट्स अ वेरी पावरफुल प्लेस टू डेवलप यू नो योर प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल, रेजिडेंशियल. एंड द अदर डेवलपर्स आर लोधा एंड देर इज़ शिराज लोखंडवाला अंधेरी के साइड. आपको तो पता है लोखंडवाला, शिराज लोखंडवाला, लोधा, अजमेरा एंड हीरानंदानी. अरे हीरानंदानी का तो मैंने आपको बताया ही नहीं. हीरानंदानी ऑल्सो इज़ अ बिग बिग बॉस यार. मतलब उसके पास जो है ना, क्या बताऊँ तुमको, उसके पास भी लाइक ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉम्बे डैंग के पास जितना लैंड है उतना हीरानंदानी के पास है. लेकिन उसका लैंड मोस्टली वो किधर है, नवी मुंबई, पनवेल, ठाणे, वो साइड है. तो दैट इज़ नॉट दैट कंसिडर्ड एज अ प्राइम लोकेशन. इसी वजह से यू नो उसका थोड़ा सा आपको नाम इतना नहीं सुनते हो. वैसे तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पवई में एंड ऑल, आपने देखा ही होगा हीरानंदानी पवई. तो वो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. लेकिन उनके वो साइड है ज़्यादा, घोड़बंदर रोड, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, वो साइड उनके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चलते हैं. और जहाँ तक बॉम्बे डाइंग की बात करूँ तो बॉम्बे डाइंग उसके प्राइम लोकेशंस है. प्राइम यानी इट्स लाइक बहुत ही महंगे, जहाँ पे आप पर स्क्वायर फीट का भाव लाइक 40,000 to 50,000 के ऊपर ऐसे. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं गाइज. अभी ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये यहाँ पे इन्होंने कुछ तो लाया है. अभी क्या है पता नहीं है, इसका अनबॉक्सिंग कब होगा पता नहीं. तो ये गाइज, तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो फाइनली मैं एंड करता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा छाव में जाके. सबसे वर्स्ट चीज़ ना मुंबई में तो गर्मी ही होती है, बहुत कड़क गर्मी है.
So anyways, this is Sabhi Want for the final time saying goodbye to all of you. Bye bye.